In this video, we will talk how you can predict the group number of any element by using its electronic configuration. So let's get started. अगर कोई भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल पर हो, मतलब वो अगर s ब्लॉक एलिमेंट से हो, तो लास्ट सबसेल पर जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 1 होगा या 2, जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना ही उसका ग्रुप नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो यहाँ पर लास्ट s सबसेल पर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका ग्रुप नंबर भी हो जाएगा 1। और अगर दूसरा एग्जांपल ले, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2, तो यहाँ पर लास्ट s सबसेल पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका ग्रुप नंबर भी हो जाएगा 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर है 1 एंड ये रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर है 2। नाउ अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर आपको अगर ग्रुप नंबर जानना हो तो 2 के साथ ऐड करना पड़ेगा लास्ट डी सबशेल पर जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2, आर्गन 4s2 3d1। तो यहाँ पर आपको ग्रुप नंबर अगर जानना हो कि ग्रुप नंबर कितना होगा, तो आपको 2 के साथ ऐड करना पड़ेगा लास्ट डी ऑर्बिटल पर लास्ट डी सबसेल पर जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपको एक ऐड करना है, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर हो जाएगा 3। तो आप यहाँ से देख सकते हो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर है 3। अभी क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का ग्रुप नंबर है 6, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d5। यहाँ पर आपको क्या मानना होगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही है, लेकिन मान लो कि यहाँ पर s ऑर्बिटल पर जो s ऑर्बिटल होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फेकेंड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। तो आप मान लो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s2 आर्गन 4s2 3d4। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही है, लेकिन आप मान लो फॉर प्रेडिक्ट द ग्रुप नंबर आप मान लो कि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल पर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमें 2 के साथ 4 ऐड करना पड़ेगा और इसका आंसर आ जाएगा 6। तो ग्रुप नंबर होगा 6। यहाँ पर आप देखिए ग्रुप नंबर है 6। हाँ, लेकिन आप पेपर पर मतलब आंसर शीट पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत लिखिए, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। ये बस बता रहा हूँ ताकि आप प्रिडिक्ट कर सको ग्रुप नंबर। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर मैंने 2 क्यों ऐड करने को बोला, यहाँ पर ग्रुप नंबर निकालने के लिए 2 क्यों ऐड करने को बोला, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि पहला 2 जो ग्रुप है वो तो s ब्लॉक एलिमेंट पर है, और यहाँ पर 2 का मीनिंग है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को हमने बाहर निकालने के लिए 2 ऐड किया है, तो इसीलिए अगर d1 होगा तो यहाँ पर 2 के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा और हमको ग्रुप 3 मिल जाएगी।
तो इसी तरीके से अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर हमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर अगर हमको ग्रुप नंबर निकालना हो तो हमें 12 के साथ एन पी ऑर्बिटल पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऐड करना पड़ेगा, लास्ट एन पी ऑर्बिटल पर जितना होगा। तो यहाँ पर 12 हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर पहले 12 ग्रुप जा चुका है, मतलब 12 ग्रुप आगे ही निकल, 12 ग्रुप के बाद ये वाला सॉरी 12 ग्रुप के बाद पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हमको पहले 12 ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2 3p1। तो हमें अगर एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर जानना है तो 12 के साथ लास्ट पी और लास्ट पी सबसेल पर जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 13, तो ग्रुप नंबर हो गया 13, ये देखिए। तो और इसी तरीके से हम दूसरे एलिमेंट्स का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अभी अगर ए ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 पर प्रेजेंट होता है, तो लैंथेनाइड प्रेजेंट होता है ये 6th पीरियड ग्रुप 3 पर, यहाँ पर लैंथेनाइड प्रेजेंट होता है, एंड एक्टिनाइड प्रेजेंट होता है 7th पीरियड ग्रुप 3 पर। तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3 पर ही प्रेजेंट होता है, और बाकी दूसरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आपको निकालना है तो इन फॉर्मूलेस को यूज करना पड़ेगा। फॉर डी एंड हाँ फॉर पी ये वाला फॉर्मूला।